हेलो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रोफेशनल डीसी सोल्डरिंग आयन का जो बीट आता है वो बनाना सिखाने वाला हूँ। बीट मतलब इसके अंदर ही इसका एलिमेंट भी है और यही इसका बीट भी है और एकदम प्रोफेशनल वे है और एकदम प्रोफेशनल सोल्डरिंग आयन आप इसका यूज करके बना सकते हो, जो कि आप कहीं पे भी ऑनलाइन या ऑफलाइन देख सकते हो। इस तरीके का बीट मिलता है लेकिन काफ़ी महंगा आता है, 400-500 रुपये तक आता है। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आप इस बीट को बिल्कुल सेम वैसा का वैसा वर्किंग भी और ऐसा का वैसा दिखना भी बिल्कुल पूरा प्रोफेशनल तरीका मैं आज आपके लिए लाया हूँ। तो आप वीडियो में पूरा बने रहो कंप्लीट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने वायर को छील लिया, उसके बाद मैंने एक इस तरीके का नाइक्रोम वायर लिया। तो ये नाइक्रोम वायर आप जो अपना हेयर ड्रायर रहता है उसमें से निकाल सकते हो, पुराने हेयर ड्रायर में से, या फिर जो अपनी सेगड़ी रहती हो 1500 वाट की खाना बनाने की, उसका भी एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो, या फिर इस्त्री का एलिमेंट, या फिर पुराने सोल्डरिंग आयन का एलिमेंट, कोई भी नाइक्रोम वायर आप इसमें ले सकते हो। तो ये मैंने 12 होल्ट का बना रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ इतने लंबाई का इसको कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से जितना लंबाई रखना चाहते हो, जितना वोल्टेज का बनाना चाहते हो, उस तरीके से उसको कट कर सकते हो। तो उसका जो एक साइड के एलिमेंट के साथ मैंने जो वायर को छीला था उसको कनेक्ट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे एक स्लीव ले ली, एक काफ़ी पतली वाली स्लीव है, मतलब 0 नंबर की या फिर 1 नंबर की, मुझे उतना स्लीव के बारे में नहीं पता, ये 1 नंबर की स्लीव होगी शायद। तो उसको मैं इस तरीके से इतने नाप से कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये जो हमारी नाइक्रोम वायर है ये हमें पूरा का पूरा स्लीव के अंदर डाल देनी है। इसका जो रीज़न है वो आपको आगे वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो देखो, मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया पूरी तरीके से। अब दूसरा जो एंड है हमारा नाइक्रोम वायर का, उसके साथ भी मैं इस तरीके से वायर को अटैच कर देता हूँ, जो कि हमने पहले छीला था। तो आपको इसको काफ़ी मजबूती के साथ लपेट देना है, यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं होती, इसने जो नाइक्रोम वायर है उसके ऊपर सोल्डरिंग नहीं होती, इसलिए हमने जो कॉपर की वायर है उसको यहाँ पे अटैच किया है। तो दोस्तों, ये जो कनेक्शंस था ये हो चुका है। अब ये जो फाइबर स्लीव है उसके बाद आपको इस तरीके से इसको बेंड कर देनी है, मतलब इसके अंदर नाइक्रोम वायर है। तो दोस्तों, इसको बेंड करने के बाद मैं आपको इसका रीज़न बता दूंगा कि हमने इस नाइक्रोम वायर के ऊपर ही क्यों फाइबर स्लीव को चढ़ा दिया भाई। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको इसको लपेट देना है राउंड राउंड करके, आप किसी भी तरीके से नहीं करना, इसी तरीके से आपको लपेटना है, तभी ये प्रोफेशनल वे में वर्क करेगा। तो दोस्तों, मैंने इस तरीके की जो सोल्डरिंग आयन की बीट मिलती है मार्केट में, 10 रुपये के अंदर ये आपको मिल जाती है, तो वो मैं ले आया और उसके अंदर आपको इसको इस तरीके से डाल देना है। तो दोस्तों, ये फाइबर स्लीव क्यों डाली, तो क्योंकि अगर हम नाइक्रोम वायर सीधा इसके अंदर डाल देते, घुसेड़ देते, तो क्या होता है, ये जो बीट है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता और हमारी सोल्डरिंग आयन वर्क नहीं करती, इसलिए मैंने उसके अंदर फाइबर स्लीव डाल दिया। अब यहाँ पे भी आपको फाइबर स्लीव डाल देना है जिससे कि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो यहाँ पे। तो गाइज, इसके अंदर भी मैंने फाइबर स्लीव को डाल दिया है, आपको सिर्फ एक ही टर्मिनल के अंदर फाइबर स्लीव डालना है। उसके बाद मैंने एक इस तरीके का ये जो लाइट आता है, एलईडी नहीं होता ये पुराने ज़माने की जो टॉर्च आती थी उसके अंदर इस तरीके का लाइट का यूज़ किया जाता था, तो मैंने उसको फोड़ के उसके अंदर से जो भी कुछ था वो निकाल लिया और इस तरीके का उसका जो ऊपर का जो भी कुछ था, डिब्बा डुब्बा आप कुछ भी बोलो भाई, वो निकाल लिया। अब आपको इस तरीके से इसको यहाँ पे लगा देना है। तो पहले तो ये जो दो तार है इनको, एक तार को आपको ऊपर निकाल लेना है और एक तार को बॉडी मतलब ग्राउंड कर देना है। तो दोस्तों, अब आपको लेनी है एमसील, तो ये मैं ले आया कलवा भाई और कलवा भाई और सफेदुआ भाई। तो ये निकल गए कलवा भाई बाहर, अब ये आने जा रहा है सफेदु भाई बाहर, तो दोनों भी आ चुके हैं हमारे कलवा सफेदु भाई। तो दोस्तों, इनको आपको अच्छे से मिला देना है ताकि इनकी पावर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। दोनों को मिलाने के बाद पावर तो बढ़ती है भाई। उसके बाद आपको इसको देखो, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, अब यहाँ पे आपको इस तरीके से लगा देना है। अब ये दो तार जो है वो आपको खुले दिख रहे होंगे, लेकिन इनको हम खुला आवारा नहीं छोड़ेंगे भाई, ऐसा हम इनको भी कुछ प्रोसेसिंग कर देंगे। तो ये एमसील लगा दिया, अब इसको सूखने का वेटिंग करना है, इंतज़ार करना है। तो आपको अच्छे से यहाँ पे एमसील लगा देनी है। तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हो चुका है, काफ़ी मजबूती के साथ ये लगने वाला है। तो देखो, मैंने काफ़ी फिनिशिंग का ध्यान रखा है, ये अगर आपके हाथों में चिपकता है एमसील तो आप यहाँ पे ऑयल का यूज़ भी कर सकते हो।
तो देखो ये एमसील जो थी हमारी वो लग चुकी थी, अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हार्ड हो चुकी है, एकदम पत्थर स्टोन बन चुकी है देखो काफ़ी। उसके बाद अब आपको क्या करना है मैं दिखाता हूँ। तो दो ये हमारे दो तार है, एक है हमारा निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव मतलब निगेटिव पॉजिटिव तो नहीं होता इसके अंदर, तो ये जो ऊपर वाला होता है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे और ये जो ग्राउंड है उसको हम निगेटिव मानते हैं, या वो ऐसे तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं है दोस्तों। तो ये मैंने सोल्डरिंग कर दी, अब जो एक्स्ट्रा की वायर है तार है उसको कट कर लेते हैं। तो देखो भाई हमने जो एक्स्ट्रा की वायर थी कट कर ली, अब हमारा जो बिट था वो आप देख सकते हो किस तरीके से बन चुका है। आप इसका यूज़ करके काफ़ी आसानी से सोल्डरिंग आयन बना सकते हो, ये तो भाई टेस्टिंग है। मैंने इसको इसके होल्डर के साथ अटैच कर दिया, इसी तरीके का जो आता है। और ये जो आप होल्डर देख रहे हो बैटरी होल्डर, वो भी मैंने ही बनाया है, अपने चैनल पर जाके आप देख सकते हो। तो इसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। तो मैंने इसकी जो वायरें थी उसको अटैच कर दी है, अब हमारी जो सोल्डर थी हाँ भाई ये हीट होना शुरू हो चुकी है। अब इसको देखो काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुकी है और इसमें से पहली बार देखो आप स्मोक दिख रहा होगा आपको, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहली बार इसमें से स्मोक ज़रूर आएगा क्योंकि जो फाइबर स्लीव होती है उसके ऊपर वार्निश की कोटिंग होती है जो कि हीट के कारण जलती है, लेकिन फाइबर स्लीव नहीं जलती, पहली बार सिर्फ धुआं आता है। तो देखो मैंने इसको टेस्ट कर लिया कि ये हीट है कि नहीं, तो ये काफ़ी अच्छे से हीट हो चुकी है। देखो कितने जल्दी ये सोल्डर वायर को पिघला रहा है भाई, ये जो मार्केट का प्रोफेशनल सोल्डरिंग आयन आता है बिट, आप इस तरीके से ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, 400-500 रुपये तक आपको जैसे मर्जी चले वैसे मिल जाएगा, लेकिन ये आप सिर्फ 10 रुपये के अंदर बना सकते हो, 10 रुपये के अंदर, तो ये काफ़ी हीट हो रहा है। तो दोस्तों ये हम सिर्फ सोल्डरिंग आयन का बिट नहीं बनाने वाले, इसकी जो रिचार्जेबल सोल्डरिंग आयन है उसकी वीडियो भी आपको आगे मिल जाएगी। उसके लिए भाई आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, और ये बिट अगर अच्छी लगी हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताना होगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, आप अपने आप ही कर दोगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है हमारा सोल्डरिंग आयन का बिट। तो हम इसका यूज़ करके एकदम प्रोफेशनल सोल्डरिंग आयन बनाने वाले हैं, तो दोस्तों उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और आपको ये बिट कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।